आज का ट्यूटोरियल हमारा है मोशन पोस्टर एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, और उसके लिए हम किसी भी एक्सटर्नल प्लगइन का यूज नहीं करने वाले हैं हमारे हर एक ट्यूटोरियल की तरह, ना ही किसी टेम्पलेट का। हम दो अमेजिंग इफेक्ट्स यूज करने वाले हैं जो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इनबिल्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हो मेरा मोशन पोस्टर का ग्राफिक्स यहाँ पे रेडी है। मैं एक एक करके सारे लेयर्स पहले आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहला मेरा पावर का वर्ड है यहाँ पे। तो अगर मैं इसका पोजीशन नीचे निकाल के आपको दिखा दूं, तो मैंने क्या किया, इस वर्ड के अंदर W को मैंने थोड़ा स्केल अप किया हुआ है, प्लस उसका कलर चेंज किया हुआ है यहाँ पे। तो ये एक मेरा वर्ड है यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास मेरा इमेज है मॉडल का, तो मैंने इसको प्रीकॉम करके रखा हुआ है इस हिसाब से। तो ये मेरा इमेज है मॉडल वाला। देन उसके बाद मेरे पास जो है मेरे दो शेप लेयर्स हैं, अगर आप देखो तो एक रेक्टेंगल शेप ऐसा बना हुआ है, उसके बाद एक दूसरा रेक्टेंगल शेप कुछ इस हिसाब से बना हुआ है, जिसको मैंने एज अ सेफ मार्जिन के हिसाब से अच्छे से बॉर्डर जनरेट किए हुए। अगर आप अपना टेक्सचर रिएक्शन सेफ ओपन करोगे तो आप देख सकते हो कि मैंने एक मार्जिन के अंदर उसको प्रॉपर तरीके से सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे दो मेरे टेक्स्ट हैं, जो मेरे मोशन पोस्टर के दो टेक्स्ट लेयर्स हैं। तो यहाँ आप अपने हिसाब से, मैंने मेरे फुटेज के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे वर्ड चूज किए हुए हैं। वुमन पावर के हिसाब से मैंने यहाँ पे पावर डाला है, डब्ल्यू को हाईलाइट किया है। सी सिंपल सी चीज होती है, जब भी आप कुछ क्रिएट करते हो, चाहे ट्यूटोरियल बेस के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूं, उसका कुछ मीनिंग बनना चाहिए, ठीक है, तभी क्लाइंट आपकी एक समझ को समझ पाएगा। कि अगर वो आपको कोई प्रोजेक्ट देता है, आप फ्रीलांसर हो या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हो, तो आपको एक थोड़ा बेसिक समझ में आना चाहिए। यहाँ पे मुझे कुछ और लिखना था, एक वुमन पावर के ऊपर एक लाइव स्ट्रीम अगर हो रहा है तो मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम डाल सकता था, बट मोशन पोस्टर मैंने एक टाइटल डाला हुआ है जो हमारे ट्यूटोरियल का टाइटल है, इसी नीचे मोशन पोस्टर डाला हुआ है। बाकी W हमारे वुमन को रिप्रेजेंट करता है, विमेन्स को रिप्रेजेंट करता है, विमेन को, एंड यहाँ पे पावर मीन्स विमेन पावर, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एनिमेशन मेरा स्टार्ट करना है। तो उसके लिए जो पहले दो शेप है मैं उसको एनिमेट यहाँ पे करने वाला हूं। तो इसका पोजीशन सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करते हैं, दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं, पी प्रेस करते हैं ताकि उसका पोजीशन ओपन हो, और यहाँ पे मैं की अप्लाई कर देता हूं और इन कीज को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ ऑलमोस्ट पीछे की तरफ कुछ यहाँ पे। ओके, सो ये मेरी कीज यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है और मैंने इसको क्या किया है, मेरे ड्यूरेशन से बाहर की तरफ ले लिया है। आगे जाके जरूरत पड़ी तो हम इसको और भी टाइमिंग्स दे सकते हैं, लेट्स गो फॉर 3 सेकेंड्स, तो और भी बेटर रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहां से भी बाहर ले लेता हूं। अब यहां पे इसका पोजीशन मुझे क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक को करते हैं। तो सबसे पहला मेरा ये वाला लेयर सिलेक्ट करते हैं और इसका पोजीशन मैं नीचे की तरफ यहाँ डाउन पे लेके जाता हूँ कुछ इस जगह पे सेम। अब मेरा ये वाला जो पोजीशन, उसको मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ कुछ इस जगह पे। तो आप उल्टा कर सकते हो दोनों चीजों को, सो लेट्स मेक इट लिटल बिट उल्टा। तो इसका जो पोजीशन है ना, मैं थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा यहाँ पे, सो दैट विल बी द गुड इनफ जहां पे मेरा ये वाला टेक्स्ट है वहां पे। और इसका पोजीशन मैं नीचे की तरफ, सॉरी नीचे वाला जो लेयर है उसका पोजीशन मैं यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए जा रहा हूँ। सो ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पे ये स्क्रीन के बाहर ही चाहिए मुझे। तो ओके, आप चाहो तो इसको अप की तरफ भी ले सकते हो, दैट्स अप टू यू कि आप कितना लेना चाहते हो। तो मैं इसको अभी के लिए यहाँ पे रखता हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, हम F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और ग्राफ को मैं कुछ हल्का सा इस हिसाब से एडिट कर देता हूँ। तो ये एक मोशन मिलेगा मुझे यहाँ पे, ये कंटिन्यूअसली स्टार्ट टू एंड मोशन में रहेंगे एक दूसरे के साथ। अब जैसे ये मोशन में जा रहा है, उसी तरह साथ में क्या चाहिए मुझे, मेरा ये जो कैरेक्टर का लेयर है उसको भी मुझे पोजीशन अप्लाई करना है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और जो हमारा इमेज का प्रीकॉम्प है उसको सिलेक्ट करते हैं, उसका पोजीशन यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं, उसको भी यहाँ पे की दे देते हैं और उस की को भी सेम हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे सॉरी। और यहाँ पे इसका पोजीशन भी जो है मुझे शिफ्ट करना है ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे। मैं इसको नीचे की तरफ यहाँ पे लेके जा रहा हूं इस हिसाब से। अब इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे हम, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर में, इसका ग्राफ भी हम कुछ इस हिसाब से ही एडिट कर देंगे ऑलमोस्ट। ओके, इट्स गुड इनफ। तो ये अब क्या होगा कि भाई इस हिसाब से हमको क्या होगा, चेंज होते हुए दिखेगा पोजीशन हमें अच्छे खासे तरीके से। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। अब मुझे क्या करना है, इसके साथ साथ मतलब जैसे ये यहाँ पे पहुंचने लगता है अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर, एट द एंड मुझे एनिमेशन चाहिए मेरे मोशन पोस्टर का। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मैं मेरा जो मोशन और पोस्टर वाला टेक्स्ट लेयर्स है दोनों, उसको सिलेक्ट करते हैं और उनका भी पोजीशन हम यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे की दे देते हैं
और उनको भी मैं क्या करूंगा यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ ऑलमोस्ट इस जगह पे, और हमारे इस जगह पे हम इनकी कीज क्या करेंगे दोनों को यहाँ से कंपोजिशन से बाहर निकाल देंगे हम लोग। तो ये हो चुका है, अब इनको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और सेम तरीके से क्या कर देंगे इनका ग्राफ हम यहाँ पे एडिट करेंगे। और थोड़ा मैं यहाँ पे ग्राफ को कुछ इस हिसाब से चेंज कर रहा हूँ। ओके ये हो चुका है, तो अब ये क्या होगा दोनों एनिमेट होते हुए अंदर आएंगे, बट इसमें थोड़ा मुझे चेंज करना है कि जो पोस्टर वाला टेक्स्ट है वो लेटर मतलब थोड़े टाइम के बाद अंदर आना चाहिए, तो उसकी लेयर को हम ऑफसेट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4 फ्रेम्स में जा रहा हूं और क्या करेंगे हम इस लेयर को यहाँ पे ऑफसेट कर देंगे। अब इन दोनों को मुझे क्या कर देना है यहाँ पे ऑलमोस्ट, मैं इस वाले लेयर को यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ मेरे मोशन वाले लेयर को। अच्छा 1 और 2 फ्रेम हम आगे चलते हैं यहाँ से, यस एग्जैक्टली यहाँ से मैं इसको ट्रिम करूंगा और सेम जो मेरा पोस्टर वाला लेयर है उसको भी मैं 1 और 2 फ्रेम आगे जाने के बाद उसको भी मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। तो ये एंड में मतलब इस हिसाब से यहाँ पे मेरे सामने विजिबल हो जाएंगे। तो भाई ये एनिमेशन भी हमारा हो चुका है, अब आते हैं हमारे मेन वर्क के ऊपर। सबसे पहले मुझे एनिमेट करना है मेरा पावर वाला वर्ड, जैसे स्टार्टिंग में हमने बात किया हम दो अमेजिंग इफेक्ट यूज करने वाले हैं जो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इनबिल्ट है, ठीक है ना, हमारे मोशन ग्राफिक्स पोस्टर के लिए, मोशन पोस्टर के लिए। तो इसके लिए जो पावर वाला वर्ड है उसके लिए मैं इफेक्ट यूज करने वाला हूँ वो है टाइम, और यहाँ पे चले जाओ आपको मिलता है इको इफेक्ट, ठीक है। तो इको नॉर्मली आप सभी ने अभी तक यूज किया होगा, तो मैं यहाँ नंबर ऑफ इकोस 14 अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ ऑलमोस्ट कुछ 189 के आसपास, तो मैंने यहाँ पे इस वैल्यूज को अप्लाई किया है। और उसके बाद हम लोग डीके यहाँ इसको भी थोड़ा हम लो करते हैं कुछ इस हिसाब से, एनिमेशन अभी तक हमने इसका किया नहीं है इसलिए रिजल्ट आपको अभी दिखेगा नहीं, पर टेंशन मत लीजिए अभी हम एनिमेट करेंगे तब इसका रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है इसका पोजीशन यहाँ पे चूज करते हैं, चले आते हैं हम 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे इसका पोजीशन की दे देते हैं और इस की को शिफ्ट करते हैं हम लोग ऑलमोस्ट वापस यहीं पे बाहर की तरफ कर देंगे जहां पे हमने हमारे शेप लेयर के की को यहाँ पे शिफ्ट किया था बिल्कुल वहीं पे। अब यहाँ पे इसका पोजीशन क्या करेंगे हम स्क्रीन से बाहर निकाल देंगे नीचे की तरफ, टोटली इसको स्क्रीन से हमें बाहर निकाल देना, तो ये हमने कर दिया। अब चले आते हैं इस वाली फ्रेम के ऊपर, तो आप देखो आपको इफेक्ट जनरेट हो चुका है और यहाँ पे मुझे क्या करना है इसको स्क्रीन से बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया स्क्रीन से बाहर निकाल दिया है। अब मुझे क्या करना है पूरा का पूरा लेयर आपका स्क्रीन से बाहर जाना चाहिए, देख लीजिए पूरा बाहर चला गया है। अब मुझे क्या करना है इसको सिलेक्ट करना है, F9 प्रेस करना है, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और इसका भी ग्राफ में कुछ इस हिसाब से हल्के से एडिट करता हूँ, ज्यादा आज नहीं बट इतना मेरे को इसको एडिट करना है। तो हाँ भाई ये बेटर तरीके से रेडी हो चुका है, तो हमारा एक इफेक्ट अप्लाई हो गया और हमारा मोशन पोस्टर का ऑलमोस्ट एनिमेशन रेडी हो चुका है, बट अभी हाईलाइट बाकी है जो है हमारे मॉडल के ऊपर एक अमेजिंग सा इफेक्ट अप्लाई करना। हर टाइम मैं आपके लिए एक अमेजिंग आइडियाज के साथ आता हूँ, नए आइडियाज के साथ आता हूँ, क्रिएटिव आइडियाज के साथ आता हूँ, प्लस उसके अंदर कोई भी प्लगइन्स की जरूरत नहीं, ना ही किसी हाई एंड पीसी की आपको जरूरत पड़ती है। तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट भी करना, प्लस बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना ताकि आगे जाते हुए आपको अपग्रेडेशन मिलते रहे और उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलते हैं आगे, हम हमारे लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ये प्रीकॉम्प लेयर है मेरा और उसके ऊपर मैं एक इफेक्ट अप्लाई करने जा रहा हूं। तो चलते हैं यहाँ पे इफेक्ट वाले पोर्शन में, यहां से आपको स्टाइलाइज में जाना है और मैं अप्लाई करने वाला हूं इसके ऊपर मोज़ेक। सो ये मुझे अच्छा खासा एक पिक्सल ग्लिच जनरेट करने को हेल्प करेगा, जैसे अभी आप स्क्रीन के अंदर देख ही रहे हो अमेजिंग सा एक पिक्सल ग्लिच यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू कुछ अप्लाई कर रहा हूँ 31 के आसपास यहाँ पे और यहाँ पे मैं वैल्यू कुछ 19 के आसपास अप्लाई कर रहा हूँ, बट अभी मुझे इसको एनिमेट करना है। तो इसको भी मैं कैसे एनिमेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इसका स्केल प्रॉपर्टी ओपन कर रहा हूँ, साथ में मैं ओपेसिटी भी यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे स्केल और ओपेसिटी के ऊपर की दे देता हूँ और इन दोनों कीज को मैं क्या करता हूँ पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन 30 फ्रेम्स के ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ इन दोनों को सबसे पहले यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे चला आता और वापस हम क्या करेंगे हमारे इमेज कॉम्प लेयर के पोजिशन ओपेसिटी और स्केल लेयर पे की दे देंगे। अब यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में की 0 करना है, बट उससे पहले जो इसका स्केल है वो मुझे चेंज करना है।
तो स्टार्टिंग में मेरे को क्या चाहिए, इसका स्केल थोड़ा बड़ा चाहिए जो मेरी कंपोजिशन को कवर कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंपोजिशन को कवर कर लिया है, उसके साथ में क्या होगा, वो छोटे होते ही यहाँ पे आएगा। प्लस मेरा ऑपेसिटी, मैं पेज डाउन 10 फ्रेम आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। तो अब इन कीज को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिट के अंदर और कुछ इस हिसाब से हम इसको एडिट कर देंगे। अब ऑपेसिटी में हमने वैल्यू साइज चेंज नहीं की है, तो फर्स्ट की फ्रेम के ऊपर यहाँ पे वैल्यू 0 चाहिए, तो अब इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, F9 प्रेस करते हैं और इसका ऑपेसिटी का भी ग्राफ एडिट कर देते हैं। स्टिल अभी एक छोटी सी चीज बाकी है जो और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्योंकि ये रिवील तो होगा, बट देखो कोई भी वेब पिक्सल के अंदर चेंजेस नहीं है, ना ही ये खत्म हो रहा है, मेरा ओरिजिनल इमेज भी रिवील नहीं हो रहा है, प्लस मुझे ग्लीचीनेस भी चाहिए इसके अंदर। तो उसके लिए मैं अभी यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मुझे एक इफेक्ट अप्लाई करना है। तो हम कहाँ से करेंगे इसको, तो मैं यहाँ से पेज डाउन 1 2 3 4 5 फ्रेम आगे जा रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं यहां से कंट्रोल शिफ्ट एंड डी अप्लाई करता हूं, तो लेयर यहां से ट्रिम भी हो जाएगा और रिमेनिंग लेयर एक नए लेयर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर जो हमने अप्लाई किया हुआ है मोजेक वाला ऑप्शन, वो जो नया लेयर बना वहां से मोजेक क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे गाइस। और उसको मैं कर रहा हूँ 1 2 फ्रेम आगे लेके आ रहा हूँ ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से। अब नीचे वाले जहां पे हमारा मोजेक इफेक्ट अप्लाइड है, वहां पे जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स की वैल्यूज हमने अप्लाई की थी 30 और वर्टिकल ब्लॉक्स की 19 वैल्यूज अप्लाई की थी, वहां पे हम दोनों जगह पे एक्सप्रेशन अप्लाई करने वाले हैं, जो विगल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाई चले आते हैं थोड़ा आगे यहाँ पे और ऑल्ट करके हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स की स्टॉपवॉच पे क्लिक करेंगे, ताकि एक एक्सप्रेशन ब्लॉक यहाँ पे ओपन हो जाएगा हमारे मोजेक इफेक्ट के अंदर। और यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन टाइप करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे 2020 इज गुड फॉर मी, तो इसको मैं कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ, बाहर क्लिक कर दीजिए। अब वापस चलेंगे हम मोजेक इफेक्ट के अंदर और ऑल्ट करके हम क्या करेंगे, मोजेक इफेक्ट के अंदर जो वर्टिकल ब्लॉक्स का ऑप्शन है उसकी स्टॉपवॉच के क्लिक करेंगे, ताकि दूसरा एक्सप्रेशन ब्लॉक्स यहाँ पे ओपन होगा और सेम एक्सप्रेशन हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो भाई हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, अब देखते हैं हमारा फाइनल एनिमेशन। सो जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, बहुत ही आई कैचिंग एंड एंगेजिंग लग रहा है हमारा मोशन पोस्टर एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। सो अगेन लाइक सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पे क्लिक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।